एक मेहमान मुअज्जिज फरीद भाई सहारनपुर से तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि डाइस पर तशरीफ ले आए। हमारे कन्वीनर भाई अजय गांधी साहब सभासद की तरफ से मैं गुजारिश कर रहा हूं फरीद भाई से, जो सहारनपुर से तशरीफ लाए हैं, कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। मोहन मुंतजर साहब के बाद आइए, बड़ी मोहब्बतों की बातचीत हो रही थी तो मैं मोहब्बतों के शहर आगरा की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूं। कभी शकील बदायूनी ने कहा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। उसी ताजमहल को जब साहिब लुधियानवी ने देखा तो यूं कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसी ताजमहल को जब डॉक्टर राहत इंदौरी ने देखा तो यूं कहा कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। आइए ताजमहल के शहर आगरा चलते हैं और वहां से एक बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर मखमली आवाज में गजल के जादू को सामईन के जहनों तक पहुंचा देने वाले शायर जनाब अनवर अमान को आवाज देते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। चार मिसरे हाजिर करता हूं, हजरात मुलाहिजा फरमाएं। हर अमल जीस्त का तुम मंशा कुर्बान रखना, अजमत दीन पे कुर्बान दिलो जा रखना, खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के, अपनी औलाद में एक हाफिज कुरान रखना, वाह वाह, औलाद में खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के, अपनी औलाद में एक हाफिज कुरान रखना। वाह वाह। और मौजिस सामे हजरात जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए जी। शुक्रिया। माँ का दिल देख कर जब मचलने लगा, माँ का दिल देख कर जब मचलने लगा, आसमां अपनी गर्दिश बदलने लगा, एक मासूम की एड़ियों के सबब, एक मासूम की एड़ियों के सबब रेत से आब जमजम उबलने लगा। क्या कहना, क्या कहना अनवर अमान साहब, वाह 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 वाह। माँ का दिल देख कर जब मचलने लगा, आसमां अपनी गर्दिश बदलने लगा, एक मासूम की एड़ियों के सबब रेत से आब जमजम उबलने लगा, रेत से आब जमजम उबलने लगा। बहुत शुक्रिया हजरत। चाहता हूँ कि गजल का मतला चंद शेर हाजिर कर दूं। इजाजत इरशाद जी, पेश करता हूँ, पढ़िए पढ़िए जी भाई, मुलाजा फरमाए। देखिए जितने भी लोग फोटो खींच रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर आजकल कैमरे में फिल्म नहीं पड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही आदमी के 50-50 फोटो खींचे जाएं, एक ही फोटो से काम चला लें और दूसरा काम आगे बढ़ने दें। बढ़िया भाई जी। भाई एक मतलब चंशर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए, सुने हजरात, मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए, एक बताइए हाजिर करता हूं मुलाजा फरमाए। अजब सरफिरी चल
रही है हवाएं, अजब सर फिरी चल रही है हवाएं, अजब सर फिरी चल रही है हवाएं, कहीं ये पुराने शजर गिर न जाए। क्या कहना क्या कहना, वाह। अजब सर फिरी चल रही है हवाएं, कहीं ये पुराने शजर गिर न जाए। सफर में यही एक सहारा है अपना, सफर में यही एक सहारा है अपना, सफर में यही एक सहारा है अपना, बहुत काम आती है माँ की दुआएं। क्या कहना क्या कहना, वाह। सफर में यही एक सहारा है अपना, बहुत काम आती है माँ की दुआएं। और दो मिसरे और मुल्ला ने फरमाए, इरशाद, बहुत खूब है तेरी आंखों की झीले, बहुत खूब है तेरी आंखों की झीलें, बहुत खूब है तेरी आंखों की झीलें, अगर बस चले तो यही डूब जाए। क्या कहना क्या कहना, बहुत खूब है तेरी आंखों की झीलें, अगर बस चले तो यही डूब जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, मैं गजल पढ़ता हूँ, चाहता हूँ कि एक मतला चंशेर और हाजिर कर दूँ, इजाजत हजरत जी, मुलाजा फरमाइए जी, हाजिर करता हूँ। ये काम कितने सलीके से कर गया कोई, दिल लगा के सुने हजरत जी। ये काम कितने सलीके से कर गया कोई, नजर के रास्ते दिल में उतर गया। वाह 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 वाह, नजर के रास्ते दिल में उतर गया कोई। सानी बतला पेश करता, इरशाद इरशाद। दिलों पे बोझ रिफाकत का धर गया कोई, दिलों पे बोझ रिफाकत का धर गया कोई, दिलों पे बोझ रिफाकत का धर गया कोई, फिर आज शहर में फाकों से मर गया। भैया कभी कभी राज शहर में फाकों से मर गया कोई। एक शेर और मैं गजल का शेर पढ़ता हूँ, मुलाद फरमाए, मुआमुलात हुदूदे
معاملات میں رکھ, معاملات حدود معاملات میں رکھ. یہ جملہ کان میں کہہ کر گزر گیا. حضرات گرامی, جناب انور امان اکبر آبادی اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے.